फ्रेंड्स, मैं सालू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, सुबह सुबह की धूप जो है निकली हुई है। और देखिए, मेरे गार्डन में पहली बार ये जो इस तरह पीच कलर के जो हिबिस्कस हैं वो खिले हुए हैं और दो फ्लावर्स इसके खिले हैं। देखिए, मैंने इस प्लांट को भी कटिंग से ही लगाया फ्रेंड। तो फूलों वाले प्लांट और फूल तो सभी को अच्छे लगते हैं फ्रेंड, लेकिन ये जो प्लांट है इसे लगाते हैं तो इनकी कुछ केयर हमें करनी पड़ती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम जो है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी वो फूलों वाले प्लांट अगर लगाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे हार्डी प्लांट भी हैं जो कि बहुत ही कम केयर में आपको भर भर के फूल भी देंगे। फ्रेंड, कुछ ऐसे ही हार्डी प्लांट फ्लावरिंग प्लांट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ फ्रेंड, जिसे मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप टाइम टाइम से उस प्लांट की गुड़ाई करते रहिए और उस पर कंपोस्ट जो है हर महीने पर, हर 10 दिन 15 दिन पर देते रहिए और उनमें पानी डालते रहिए चेक करके, और तेज़ धूप होने पर उन्हें छाया में रखिए। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छे से बिना किसी टेंशन के इन प्लांट्स को लगाकर आप ढेरों फ्लावरिंग जो है वो ले सकते हैं। पहले नंबर पर आप देख सकते हैं कि ये है बोगनविला का प्लांट और इसमें फ्लावरिंग जो है अभी स्टार्ट नहीं हुई है फ्रेंड, क्योंकि इसकी मैंने हाथ प्रूनिंग जो है वो कर दी थी। उसके बाद मेरे प्लांट में न्यू ग्रोथ जो है इस तरह से आई, अब इसमें फ्लावरिंग भी होने लगेगी। तो ये प्लांट इतना ज़्यादा हार्डी प्लांट है कि अगर 10 दिनों तक भी इस प्लांट को आप छोड़कर कहीं चले जाते हैं और पानी देना भूल जाते हैं तो भी ये जो प्लांट है कभी भी मरता नहीं है। ये इसमें इस तरह के फ्लावर जो हैं आते हैं, परिस्थिति हो, तेज़ गर्मी हो, बारिश हो या फिर विंटर का सीजन हो, ये जो प्लांट है बहुत ही ज़्यादा हार्डी हैं और सख्त हैं फ्रेंड। इन प्लांट का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। अगर आपको कहीं जाना भी होगा 10 दिनों के लिए तो आराम से आप जा सकते हैं निश्चिंत होकर। अभी जो मैंने आपको दिखाया बोगनविला का प्लांट, तो उसी प्लांट की कटिंग लेके आप देख सकते हैं मैंने ये प्लांट जो है वो रेडी किया। और ये प्लांट अभी छोटा है फ्रेंड, और ये छोटे से पॉट में ही मैंने इसकी कटिंग जो है लगा दी थी, और ये जो मेरी कटिंग है इस तरह से बहुत ही अच्छे से लग गई। और आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, बहुत ही सुंदर इसका कलर है फ्रेंड। और ये प्लांट इतने ज़्यादा हार्डी हैं कि इस प्लांट की आप कोई नहीं भी केयर करेंगे, खाद पानी नहीं भी देंगे टाइम से, तो ये जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से चलते भी रहते हैं और फ्लावरिंग भी करते रहते हैं। ये इतने ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं कि इनको आप तेज़ धूप में भी रख दीजिए, बारिश में भी रख दीजिए और विंटर के खुले आसमान में भी रख दीजिए, तब भी इस प्लांट का कुछ नहीं बिगड़ता है फ्रेंड। तो ऐसे लोगों के पास जिनके पास जो है वो समय की बिल्कुल भी समय उनके पास नहीं है, तो बोगनविला के प्लांट बेस्ट ऑप्शन है, लगा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है और इस प्लांट को आप कटिंग से भी रेडी कर सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि मैंने आपको दिखाया ये जो प्लांट है मेरा कटिंग से ही मैंने लगाया है। तो इसकी इतनी बड़ी कटिंग जो है आप ले लीजिए और इसे मिट्टी में दबा दीजिए तो ये जो प्लांट है कटिंग से रेडी हो जाते हैं। प्लांट में जब फ्लावर्स खिलते हैं फ्रेंड तो उसके पत्ते कम दिखाई देते हैं और इसमें फूल ही फूल दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत ही कम मेहनत में बिना खाद और बिना पानी के जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से कम केयर में चलता भी रहता है और भर भर के फूल भी देता है फ्रेंड। और इसके फूल जब एक बार खिल जाते हैं तो महीनों महीनों तक इस तरह से प्लांट पर टिके रहते हैं। और दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि यह है यूफोर्बिया मिली का प्लांट, जिसे हम क्राउन ऑफ थ्रोन्स भी कहते हैं फ्रेंड। और देखिए इसके फ्लावर जो है कितने सुंदर हैं और इस तरह से बंचेज में इसके फ्लावर्स आते हैं और ये रेड कलर वाला है, इसमें और भी कलर आपको मिल जाएंगे देखने के लिए फ्रेंड। और ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा हार्डी है, रफ एंड टफ प्लांट है, क्योंकि मेरे गार्डन में जो प्लांट मेरे गार्डन में काफ़ी ज़्यादा हार्डी है जिसे मैं ज़्यादा केयर नहीं करती वही सारे प्लांट मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेंड। रेड कलर वाला है, इसमें गुच्छे में इस तरह से फ्लावर्स आते हैं फ्रेंड। और इसके जो फ्लावर्स हैं काफ़ी ज़्यादा हार्डी होते हैं, वो एक बार अगर खिल जाते हैं तो इस तरह से प्लांट पर एक एक महीने दो दो महीने तक टिके रहते हैं फ्रेंड। क्योंकि ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं ये सारे मेरे विंटर से ही खिले हुए हैं और देखिए इनके फ्लावर्स का कुछ भी नहीं होता है, इस तरह से ये बंचेज में खिलते रहते हैं फ्रेंड। ज़्यादा हार्डी और रफ एंड टफ प्लांट होते हैं फ्रेंड, ये प्लांट आपसे न तो पानी की डिमांड करते हैं समय से और ना ही खाद की डिमांड करते हैं। अगर इस प्लांट को लगाकर आप 10 दिनों के लिए 15 दिनों के लिए कहीं चल भी जाएंगे तो भी ये जो प्लांट है इसका कुछ नहीं बिगड़ता है, इसी तरह से भर भर के फ्लावरिंग जो है वो करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जिनके पास जो है समय बहुत ही कम है तो ये यूफोर्बिया मिली के प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये गर्म जगह का ही प्लांट है जहाँ पर इसे बिना पानी के और बिना खाद के भी ये जो प्लांट है ऐसे मौसम में बहुत ही अच्छे से ऐसे वातावरण में सर्वाइव करता रहता है बहुत ही आसानी से। तो अगर आप यूफोर्बिया मिली के प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करेंगे तो निश्चिंत होकर इसे ढेरों फ्लावर्स भी ले सकते हैं। लेकिन प्लांट की मैंने कटिंग कर करके ढेरों प्लांट जो है वो बना लिए फ्रेंड, और ये भी प्लांट जो है वो कटिंग से बहुत ही आसानी से लग भी जाते हैं। और जब इस प्लांट को मैंने आप देख सकते हैं कि वेस्ट में ही मैंने सारे अपने यूफोर्बिया मिली प्लांट को लगा के रखा है फ्रेंड, तो जब मैंने इस प्लांट की रिपोर्टिंग की थी तो इसमें ढेर सारे नीचे किचन वेस्ट जो है डालकर इस प्लांट की रिपोर्टिंग कर दी थी फ्रेंड। तो अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ, बिना किसी टेंशन के जो मेरे प्लांट है चलते रहते हैं इस तरह से। तो अगला जो हार्डी प्लांट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ फ्रेंड, यह है कनेर का प्लांट और इसमें पिंक कलर के काफ़ी खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं ब्रांचेज में। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं फ्रेंड,
इसे भी मैंने कटिंग से लगाया और देखिए मेरा प्लांट जो है वो काफ़ी बिग साइज का हो गया है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग जो है अभी स्टार्ट होने वाली है। देखिए इसमें बड्स जो है इस तरह से बन रहे हैं, आप देख सकते हैं मेरे कटिंग से लगे प्लांट में बड्स जो है वो बनना शुरू हो गए फ्रेंड। और जब इसके फ्लावर्स खिलेंगे तो मैं आपको दिखाऊँगी, काफ़ी खूबसूरत इसके फ्लावर्स हैं। और देखिए मेरा जो प्लांट है कटिंग से रेडी हो गया है फ्री में। तो इस प्लांट को आप कटिंग से बहुत ही आसानी से रेडी कर सकते हैं, इसके टिप पर की कटिंग लीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए तो जो प्लांट है कटिंग से रेडी हो जाएगा। और सबसे खास बात इस प्लांट की यह है कि अगर आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, आप और प्लांट की केयर नहीं कर पाएंगे, तो कनेर के प्लांट को आप ज़रूर शामिल कीजिए, इसमें और भी कलर और वैरायटी आपको मिल जाएगी। सारे कलर इसके काफ़ी खूबसूरत रहते हैं फ्रेंड। और ये जो प्लांट है बहुत ही ज़्यादा हार्डी भी होते हैं, अगर आप इस प्लांट को पानी देना भूल भी जाएंगे तो 10 दिनों तक भी ये जो प्लांट है बिना पानी के बहुत ही अच्छे से चलता रहेगा फ्रेंड। के भी फ्लावर्स अगर एक बार खिल जाते हैं तो इस तरह से एक एक महीने तक प्लांट पे लगे रहते हैं। तो मेरे प्लांट पे तो अभी फ्लावर्स नहीं है, अभी इसमें कलियाँ ही बन रही हैं, फ्लावर्स जो हैं अभी नहीं खिले हैं फ्रेंड। तो इस तरह के प्लांट को हमें अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए जिसके पास समय जो है नहीं है। कनेर का प्लांट मैंने आपको दिखाया, उसी की एक छोटी सी कटिंग जो है मैंने यहाँ पर लगा दी है फ्रेंड। और देखिए मेरी कटिंग जो है लग गई है। जो प्लांट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट अलमंडा का प्लांट है फ्रेंड। और इसमें भी और भी कलर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और देखिए मेरे प्लांट पे न्यू ग्रोथ जो है वो कटिंग और प्रूनिंग के बाद बहुत ही अच्छी ग्रोथ जो है स्टार्ट हो गई है फ्रेंड। और अब मेरा जो प्लांट है अब फूलों से भर जाएगा। मेरे प्लांट पे तो अभी फ्लावर्स नहीं आए हैं क्योंकि मैंने इसके हार्ड प्रूनिंग जो है कर दी थी फ्रेंड, और उसके बाद इसमें कलियां जो है बनेगी तो ये जो प्लांट है पूरा फूलों से भर जाएगा। बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के इसमें पीले कलर के फ्लावर्स आते हैं फ्रेंड। तो ये भी प्लांट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्डी है। पूरे विंटर मैं इस प्लांट को इसी तरह से रख कर भूल जाती हूँ और न ही इन्हें टाइम से पानी भी दे पाती हूँ और न ही कभी कंपोस्ट भी दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी मैंने अपने अलमंडा के प्लांट पर कोई खाद वगैरह जो है वो नहीं दी है फ्रेंड। और उसके बावजूद भी मेरा प्लांट इसमें इसकी ग्रोथ जो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ जो हुई है। तो ये फ्रेंड ये जो प्लांट है अलमंडा का बहुत ही ज़्यादा रफ एंड टफ प्लांट है। तेज़ धूप में भी आप इस प्लांट को रख सकते हैं, इस प्लांट का कुछ नहीं होता है। धूप में बहुत ही अच्छे से ये जो प्लांट है फ्लावरिंग करते हैं। और ये जो प्लांट है ये कटिंग से भी रेडी हो जाता है फ्रेंड। मैंने भी इस प्लांट की कटिंग जो है वो दो रेडी करके रखी है। और देखिए इसके टिप पर की कटिंग आप लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये जो प्लांट है कटिंग से रेडी हो जाते हैं। तो आपके पास समय जो है बहुत ही कम है तो वही सारे प्लांट जो है मैं दिखा रही हूँ। अगर आप केयर नहीं भी कर पाते हैं इस प्लांट की तो कोई बात नहीं, ये जो प्लांट है अपने आप से बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। अगर साल में एक बार भी आप इनको गोबर की जो खाद है वो मिलाकर दे देंगे तो ये जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से चलता रहेगा। तो अगला जो फ्लावरिंग प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड ये है समर का बहुत ही प्यारा प्लांट, जो जिसे हम मॉस रोज, पर्सलेन या फिर 9 o'clock या फिर 10 o'clock के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड। और ये काफ़ी ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं और पूरे गर्मियों में भर भर के फ्लावरिंग भी करते रहते हैं फ्रेंड। और इसके बिना तो हमारा जो समर गार्डन है वो बिल्कुल अधूरा है। तो इस प्लांट की अगर आप केयर नहीं भी करते हैं तब भी ये जो प्लांट है चलता रहता है। तेज़ धूप में आप इस प्लांट को रखिए, बहुत ही अच्छे से भर भर के फ्लावरिंग करेगा। और ये जो प्लांट है बहुत ही कम केयर में चलता है, इस प्लांट को पानी भी ज़्यादा नहीं लगती है फ्रेंड। तो अगर आप पानी देना भूल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, ये जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से चलते हैं। मॉस रोज का या फिर ये पर्सलेन का, तो इस प्लांट को मैंने पूरे विंटर इस तरह से छोड़ दिया था, कभी इसमें पानी भी नहीं देती थी मैं। तो अक्सर इस प्लांट पर पानी देना जो है वो भूल जाती थी फ्रेंड। और फिर भी ये जो प्लांट है मेरा मरा नहीं, बहुत ही अच्छे से चल भी रहा था फ्रेंड। तो अगर इस प्लांट को आप साल में एक बार गोबर की खाद दे देते हैं तो बहुत ही अच्छे से जो प्लांट है उतने में ही ग्रो होता रहता है। तो अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं भी है तो आपके घर में ही बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है, चाय की पत्ती तो हम सभी के घरों में रहती है, तो चाय की पत्ती भी आप इस प्लांट को दे देंगे तो उतने से ही ये जो प्लांट है खुश हो जाते हैं और भर भर के फ्लावरिंग भी करते रहते हैं।